वरकात। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ मरक, उसकी रेसिपी के सामान बता दूँगी। ये है बादाम जो 30 ग्राम है, ये भी 30 ग्राम है, चिरौंजी पिस्ता है 30 ग्राम, और काजू है 50 ग्राम। चिरौंजी ऑप्शनल है, मेरे को अच्छी लगती है और मेरे को इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, और ये इसमें डालने से मरक का टेस्ट भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग को नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 चीज़ें ले सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, गरम मसाला, काली मिर्ची, हरा मसाला। मैं अभी वो सारी चीज़ें बताऊँगी, मैं पहले ये बता लूँ तो इसलिए ये बता ले रही हूँ। काजू है 50 ग्राम, ये 30 ग्राम है, ये भी 30 ग्राम है, एंड पिस्ता चिरौंजी भी 30 ग्राम है। ये चारों चीज़ें हम पीस लेंगे, इनको भिगा के रख कर पीस लेके मैं आप लोग से थोड़ी देर में मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे नेक हाजतें कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए मैं बना रही हूँ आज हैदराबादी फेमस शादी वाला मरग रेसिपी। ये है 300 ग्राम्स मटन है, बोन्स वाला, विदाउट बोन्स भी ले सकते हैं आप लोग। और ये एक बंच पुदीना है, एक बंच कोतमीर है, 4 से 5 हरी मिर्ची है, ये 2 बड़े प्याज है, और ये है गरम मसाला, ये काली मिर्च है, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्ची 1 चम्मच, ये पिसी हुई हरी मिर्ची, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच है, पिसी हुई हरी मिर्ची 2 चम्मच है। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये पिसे हुए काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी का पेस्ट है, ये पिसा हुआ। अभी देखिए हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे इसको। अभी मैं 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी प्याज ऐड कर लेते हैं। अभी देखिए प्याज ब्राउन हो गई। अभी मैं इसमें काली मिर्ची, हरी मिर्ची और हरी मिर्ची का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्ची, गरम मसाला, काली मिर्ची थोड़ी देर ऐड करेंगे। पहले मैं हरी मिर्ची, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक ऐड कर लेंगे। अभी हम गोश्त गलने जितना पानी डाल के गोश्त गला लेंगे। कुछ देर में मिलते
अभी देखिए गोश्त गल गया है ये, अभी हम इसमें ये जो गरम मसाला और काली मिर्ची है वो डाल लेंगे। इसके बाद ये पिसा हुआ पेस्ट। हाँ मम्मी रख रही है अभी। इसको इस तरह से एक दो मिनट भुनने बाद हम पानी ऐड करेंगे। अभी हम पानी ऐड कर लेंगे। कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है आप देख के रख सकते हैं। मुझे इतना ही बस है। अभी हम कोथमीर पुदीना ऐड कर लेंगे। है मैं बेलती हूँ ना, कुछ मेहनत नहीं है तेरे बेलन पे। बेलन बड़ा अच्छा इसमें हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। मैं एंड फिर बताती हूँ आप लोग को। और मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी थोड़ी देर में फिर मिलेंगे। थोड़ा उबाल आने के तेल का तीरा ऊपर आ जाता देखिए। अभी हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। लास्ट में मुझे घी का टच देना बहुत अच्छा लगता। आपकी मर्जी, ऑप्शनल है आपके पास। अगर आप देना चाहे तो दे सकते, मैं तो कुछ भी नहीं। ये देखिए इस पे उबाल आ गया। अभी ये बन चुका है, एंड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमें याद रखना और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। जी दे रहे। देखिए इधर हमारा रेडी हो गया और वैसे इधर रोटी भी बन रही है। अच्छी है।
ये देखिए बन गया हमारा मरक, और ये है रोटी। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, आप लोग ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।